हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूँ आप सभी को इस कॉन्टेम्पोररी इंडियन फिलोसॉफी सेशन में। उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। किसी ने कमेंट किया था हमारे लास्ट सेशन में सेंट कोवि भीमाभोई में कि कैसी भट्टाचार्य का जो स्वराजीन आइडियाज़ है उसके ऊपर एक सेशन चाहिए, तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करूँगा। तो कैसी भट्टाचार्य स्वराजीन आइडियाज़ को जानने से पहले आपको गांधी जी की जो स्वराज है वो क्या था उसको जानना पड़ेगा। उसके बाद हम कैसी भट्टाचार्य का जो स्वराज है वो देखेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे से जुड़ने के लिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों गांधी जी ने लिखा था हिंद स्वराज को 1909 में कि वैचारिक स्वतंत्रता के लिए अपने घोषणा पत्र के रूप में, ठीक है। जब स्वराज की प्राप्ति औपनिवेशिक भारत के सामने इमीडिएट फेसिंग टास्क था, मीन्स तत्कालीन कार्य था, तो जब स्वराज की प्राप्ति औपनिवेशिक भारत के सामने तत्कालीन कार्य था तब गांधी जी ने 1909 में वैचारिक स्वतंत्रता के लिए अपने घोषणा पत्र के रूप में हिंद स्वराज को लिखा था। और गांधी जी ने स्वराज एज सेल्फ रूल एंड स्वराज एज सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल के बीच एक सूक्ष्म अंतर करते हैं। तो स्वराज एज सेल्फ रूल इज द रूल ऑफ द सेल्फ बाय द सेल्फ, और मोर प्रिसाइसली द रूल ऑफ द माइंड ओवर इट्सेल्फ एंड इट्स पैशंस। तो स्वशासन के रूप में स्वराज स्वयं द्वारा स्वयं का शासन है, या अधिक सटीक रूप से मन का स्वयं पर और उनके जुनून पर शासन है। तो स्वराज एक ऐसी चीज़ है जो स्वयं के भीतर अनुभव करने में सक्षम है। स्वशासन का आंतरिक अनुभव नागरिकों को अपने आचरण से अपनी मूल प्रतिभा के अनुरूप अपने राजनीतिक नैतिकता को सुदृढ़ करने में सक्षम बनाता है। तो देखो, एज स्वराज इज समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपीरियंस्ड विद इन वन सेल्फ, द इनर एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ रूल एनेबल्स द सिटीजन्स टू री इन्फोर्स देयर पोलिटिकल एथिक्स बाय देयर कंडक्ट इन हारमोनी विद देयर नेटिव जीनियस। तो अक्टूबर 1931 में दार्शनिक कैसी भट्टाचार्य ने स्वराज इन आइडियाज़ नामक एक लेक्चर दिया था, जिसने गांधी के हिंद स्वराज को प्रतिध्वनित किया और तर्क या धर्मों में तथाकथित सार्वभौमिकता के खिलाफ चेतावनी दी, जो एक जड़हीन शिक्षा का परिणाम था जो किसी भी चीज़ से अधिक खड़ा था। एल्स इन द वे ऑफ स्वराज इन आइडियाज़ ही टॉक्स अबाउट कल्चरल सब्जेक्शन विटिएटिंग द वेरी स्प्रिंग्स ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल एंड मोरल लाइफ व्हिच परसिस्ट इवन टुडे। वो सांस्कृतिक अधीनता के बारे में बात करते हैं जो हमारे बौद्धिक और नैतिक जीवन के मूल स्रोतों को नष्ट कर देती है, जो आज भी कायम है। भट्टाचार्य के अनुसार सांस्कृतिक अधीनता केवल तभी होती है जब वंस ट्रेडिशनल कास्ट ऑफ आइडियाज एंड सेंटिमेंट्स इज सप्रेस्टेड विदाउट कंपैरिजन और कंपटीशन बाय ए न्यू कास्ट रिप्रेजेंटिंग एन एलियन कल्चर व्हिच पोजेस वन लाइक ए घोस्ट। भट्टाचार्य के अनुसार सांस्कृतिक अधीनता केवल तभी होता है जब किसी के विचारों और भावनाओं के पारंपरिक कलाकारों को एक विदेशी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक नए कलाकार द्वारा तुलना या प्रतिस्पर्धा के बिना हटा दिया जाता है, जिसमें एक भूत की तरह होते हैं। ओके, तो कैसी भट्टाचार्य का जो स्वराज इन आइडियाज़ है बेसिकली ये एक लेक्चर है। तो अगर इसका मूल टेक्स्ट देखेंगे तो देखो यहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि आज हम राजनीति में स्वराज या आत्मनिर्णय की बात करते हैं, तो उन्होंने स्वराज को सेल्फ डिटर्मिनेशन बोला है। मैंस डोमिनेशन ओवर मैन इज फेल्ट इन द मोस्ट टेंजिबल फ्रॉम द पॉलिटिकल स्फीयर। और उन्होंने ये भी कहा है कि मनुष्य पर मनुष्य का प्रभुत्व राजनीति क्षेत्र में सबसे मूर्त रूप में महसूस किया जाता है। तो देयर इज हाउएवर ए सबटेलर डोमिनेशन एक्सरसाइज इन द स्फीयर ऑफ आइडियाज बाई वन कल्चर ऑन एनादर, ए डोमिनेशन ऑल द मोर सीरियस इन द कॉन्सिक्वेंस बिकॉज इट इज़ नॉट ऑर्डिनरीली फेल्ट। इसका अर्थ है कि हालांकि एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति पर विचारों के क्षेत्र में
एक सूक्ष्म वर्चस्व का प्रयोग किया जाता है। एक वर्चस्व परिणाम में और अधिक गंभीर होता है क्योंकि ये आमतौर पर महसूस नहीं किया जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑर्डिनरली फेल्ट। आप देखो, पॉलिटिकल सब्जेक्शन प्राइमरली मीन्स रेस्ट्रेंट ऑन द आउटर लाइफ ऑफ ए पीपल एंड ऑल्दो इट टेंड्स ग्रेजुअली टू सिंक इनटू द इनर लाइफ ऑफ द सोल, द फैक्ट दैट वन इज कॉन्शियस ऑफ इट्स ऑपरेट्स अगेंस्ट द टेंडेंसी। इसका अगर अर्थ किया जाए तो राजनीतिक अधीनता का अर्थ मुख्य रूप से लोगों के बाहरी जीवन पर स्वयं है, और यद्यपि ये धीरे धीरे आत्मा के आंतरिक जीवन में डूबने लगता है, ये तथ्य कि व्यक्ति इसके प्रति सचेत है प्रवृत्ति को फिर से संचालित करता है। और कल्चरल सब्जेक्शन की बात करें तो कल्चरल सब्जेक्शन इज ऑर्डिनरली ऑफ एन अनकॉन्शियस कैरेक्टर एंड इट इम्प्लाइज स्लेवरी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। जब मैं सांस्कृतिक अधीनता की बात करता हूँ तो मेरा मतलब किसी से विदेशी संस्कृति को आत्मसात करने से नहीं है। ये आत्मसात करना कोई बुराई नहीं होना चाहिए, ये स्वस्थ प्रगति के लिए सकारात्मक रूप से आवश्यक हो सकता है, और किसी भी मामले में इसका मतलब स्वतंत्रता की कमी नहीं है। इन एनी केस इट डज नॉट मीन ए लैप्स ऑफ फ्रीडम। देयर इज कल्चरल सब्जेक्शन ओनली व्हेन वंस ट्रेडिशनल कास्ट ऑफ आइडियाज एंड सेंटिमेंट्स इज सप्रेस्ड विदाउट कंप्रेशन और कंपटीशन बाय ए न्यू कास्ट रिप्रेजेंटिंग एन एलियन कल्चर व्हिच पोजेस वन लाइक ए घोस्ट। तो इसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये अधीनता आत्मा की गुलामी है। जब कोई व्यक्ति इससे मुक्त होकर अपने आप को हिला सकता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों से तराजू गिर गया है और वो पुनर्जन्म का अनुभव करते हैं, और इसी को मैं स्वराज इन आइडियाज कहता हूँ। ही एक्सपीरियंस ए रिबर्थ एंड दैट इज़ व्हाट आई कॉल स्वराज इन आइडियाज। तो इसी को केसी भट्टाचार्य ने स्वराज इन आइडियाज कहा है। ओके, तो केसी भट्टाचार्य ने उसका जो लेक्चर था स्वराज इन आइडियाज उसको ख़त्म किया था इस प्रकार से कि हम अपने देश की जाति व्यवस्था की निंदा करते हैं, लेकिन हम इस तथ्य की उपेक्षा करते हैं कि हम जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की है वो किसी भी पारंपरिक जाति की तुलना में अधिक विशिष्ट और असहिष्णु है। आइए लेट अस रिसोल्यूटली ब्रेक डाउन द बैरियर्स ऑफ दिस न्यू कास्ट एंड लेट अस कम बैक टू द कल्चरल स्टेटम ऑफ द रियल इंडियन पीपल एंड इवॉल्व ए कल्चर अलॉन्ग विद देम सुइटेड टू द टाइम एंड टू आवर नेटिव जेनियस दैट वुड बी टू अचीव स्वराज इन आइडियाज। उन्होंने लास्ट में कहा है कि आइए हम इस नए जाति की बाधाओं को दृढ़ता से तोड़ दें, आइए हम वास्तविक भारतीय लोगों के सांस्कृतिक स्तर पर वापस जाए और उनके साथ साथ समय और हमारी मूल प्रतिभा के अनुकूल सांस्कृतिक विकसित करें, और इसी तरह से हमारा जो स्वराज इन आइडियाज़ है उसको हासिल करें। ओके, अब हम केसी भट्टाचार्य के जो राइटिंग्स है उसको देखेंगे। तो देखो, द सब्जेक्ट एज फ्रीडम नॉलेज एंड ट्रूथ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू स्वराज इन आइडियाज़ फैक्ट एंड थॉट ऑफ फैक्ट reality of the future, the concept of the absolute and its alternative forms। इसको अपने कॉपी पे अच्छे से लिख लो। सेशन को ख़त्म करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर डेली रात 8 से 8:30 बजे तक क्विज होता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्विज होता है, और वहाँ पर आपको नोट्स इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सब कुछ मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ पर आपको लिंक दिखा जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, आपका ही फायदा होगा। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने नोट्स भी बना लिया होगा। अब सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।